चलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी की बैटरी की कमाल की एक टिप बताने वाला हूँ, बोल सकते हैं या फिर एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने मोबाइल की बैटरी काफी हद तक इंक्रीज कर सकते हैं। ये जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ डेफिनेटली बहुत काम की है, और अगर आप इसको यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ बैटरी ड्रेन की टिप्स बताने वाला हूँ, या बोल सकते हैं बैटरी इंक्रीज करने की टिप। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे अपने मोबाइल की आप बैटरी इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों, हर आदमी यहाँ पर क्या करता है, आप देखेंगे लोकेशन को ऑन करके रखता है, जैसे कि मैंने भी करी हुई है, और बहुत बहुत सारे लोग लोकेशन को यूज करके रखते हैं। इवन जब उसको यूज भी नहीं कर रहे हो तो भी लोकेशन यूज रहता है। उससे होता क्या है, वो आपकी मोबाइल की बैकग्राउंड में बैटरी को ड्रेन करता है। बैटरी ड्रेन करता है मतलब कि बैटरी खाता है, जिससे आपकी मोबाइल की जो बैटरी की जो चलने की थोड़ी ज़्यादा टाइम चलने वाली हो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो आप उसको बचा सकते हैं कैसे, इसका एक चीज कर सकते हैं कि जब भी आप अपने मोबाइल की लोकेशन को यूज करें, मतलब जब किसी ऐप को जरूरत हो तभी आपकी लोकेशन ऑटोमेटिक ऑन हो और उसके बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाए, मतलब कि ऑल टाइम यूज ना हो, तो आप उसको इनेबल कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कैसे आप चेक करेंगे कितने आपकी बैटरी खाता है। तो उसके लिए आपको जाना है यहां पर सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आप यहां नीचे की तरफ आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी वाला, आपको इस प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे जाना है। प्राइवेसी में ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ लोकेशन वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे लोकेशन पे यूज्ड बाय 13 एप्स टुडे, सिस्टम यूआई ने यहाँ पर इसकी लोकेशन को यूज करी है। आप देखेंगे व्यू मोर करके ये टाइम वाइज आपको आ जाएगा कितने कितने टाइम, मतलब जितनी इतनी बार ये यूज करी होगी डेफिनेटली बात है यार बैटरी तो ड्रेन करी होगी। ऐसे ही नीचे आएंगे तो इंस्टाग्राम ने भी यूज करी है तो पूरी टाइम आ गया, मैप ने भी यूज करा, मतलब ये मैप नहीं यूज करा तो चलो डेफिनेटली मैप नहीं यूज करा तो काम के लिए यूज करा होगा। बाकी जो जितनी भी एप्स हैं लाइक गूगल्स हो गई, बिक्सी वॉइस हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, ये सब चीज़ें बिना फालतू बीच में खा रही हैं, मतलब बैटरी ड्रेन कर रही हैं। जैसे गैलेक्सी स्टोर ने भी करा, ये फोन ने भी करा, यूट्यूब ने करा, ये बहुत सारी एप्स आपको मिल गई होंगी। तो आप देख रहे होंगे जितनी इतनी आप खा रही हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर बैकग्राउंड में डेटा खा रही हैं, बैकग्राउंड में खा रही हैं मतलब कि यार ये आपके मोबाइल का बैटरी की लग रही है, मतलब बैटरी आपकी जल्दी ड्रेन हो रही है, तो आप इससे बच सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि ट्रिक मैं मैप्स में ऑन कर दूंगा कि जब भी मैं मैप ऑन करूं जब भी मेरे मोबाइल की लोकेशन ऑन हो और उसके अलावा वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। तो उसको करने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले मैं यहां से लोकेशन को ऑफ कर देता हूं, ठीक है। तो लोकेशन को ऑफ करने के बाद आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ एडवांस फीचर पे। एडवांस फीचर पे जाने के बाद आप यहाँ ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिक्सवी रूटीन, आपको उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद करना क्या है आपको, यहाँ पर बिक्सवी रूटीन जाने के बाद आपको ऐड रूटीन पे जाना है। ऐड रूटीन पे आपको एक दो कंडीशन मिलेंगी, इफ और देन। इफ मतलब कि कोई एक्शन में अगर करता हूं तो उसके बाद देन कंडीशन ऑटोमेटिक रन हो जाए। तो लाइक मैंने यहाँ पर इफ में गया, इफ में जाने के बाद मैं नीचे की तरफ आया और मैंने यहाँ पर चूज कर लिया ऐप ओपन। ऐप ओपन पे चूज करने के बाद मैंने यहाँ पर चूज कर लिया मैप, कि भाई मैप में जब ऑन करूं तो मेरी लोकेशन ऑटोमेटिक ऑन हो जाए। तो मैंने यहाँ पर मैप को चूज कर लिया और डन कर दिया। अब मैं आ गया देन कंडीशन पे, मैंने यहाँ देन पे गया और यहाँ पर मैं गया लोकेशन वाले ऑप्शन पे। तो लोकेशन पे गया और मैंने इसको यहाँ पर ऑन करने की परमिशन दे दी, ठीक है। और नीचे एक ऑप्शन और दे दिया कि रिवर्स एक्शन, कि जब मैं इसको बंद करूं तो ऑटोमेटिक एक्शन रिवर्स हो जाए। तो अभी कैसे काम करेगा वो बताता हूं। लाइक नेक्स्ट पे गया, मैंने इसका नाम मैप भी दे दिया और इसको डन कर दिया और ये सेव हो गया है। तो अभी आप देखेंगे मेरे मोबाइल की लोकेशन यहाँ पर बंद है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर मैप को ऑन करूंगा तो आप देखेंगे उसकी लोकेशन ऑटोमेटिक ऑन हो गई, आपको दिख रहा होगा ऑटोमेटिक ऑन हो गई और ये लोकेशन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लोकेशन ऑटोमेटिक ये ऑन हो चुकी है। अब मैं इसको बंद करता हूँ, अब मैंने इसको यहाँ से यूँ बंद करा, अब मैं बंद करूँगा तो आप देखेंगे लोकेशन ऑटोमेटिक बंद हो गई। ऐसी अगर मैं दोबारा इसको ऑन करूँगा मैप को मैंने दोबारा ऑन करा तो वो वहाँ से वापस ऑन हो गई, आप देखेंगे वापस ऑन हो गया है। ऐसी अब मैं उसको यूँ करके दोबारा से बंद कर दूंगा तो वो बंद हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, बैकग्राउंड में ऐप नहीं चलेगी, या बोल सकते हैं बैकग्राउंड में लोकेशन एक्सेस नहीं होगी, तो आपकी बैटरी वहां पर सेव हो जाएगी। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है तो मेरी वीडियो कुछ कमी तो डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मैं डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना, और साथ में नोटिफिकेशन ब्लैक आइकन को दबाना भी ना भूलना, जैसे कि कोई नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले उसकी अपडेट मिले। तो थैंक यू दोस्तों।